आगरा जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए रक्तदान शिविर के पखवाड़े में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग रक्तदान करने के लिए भाग ले रहे हैं। जिला अस्पताल में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहे रक्तदान शिविर के पखवाड़े में अभी तक 54 यूनिट ब्लड डोनेशन जिला अस्पताल में हो चुका है। अभी भी रक्तदान शिविर के समाप्त होने में 5 दिन शेष हैं। अभी भी लोग लगातार रक्तदान करने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और अभी भी जिला अस्पताल में लगाए गए रक्तदान पखवाड़ा, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए लगाए गए हैं, इसको देखते हुए अभी भी 5 दिन बाकी है और जिला अस्पताल में अभी भी रक्तदान करने के लिए लोग बहुत उत्साहित होकर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और फिर रक्तदान साल में 2 या 3 बार हर व्यक्ति को करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर की सारी परेशानियां भी कम होती हैं। पुराना खून निकलने के बाद शरीर में नया खून बनता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत अच्छा और फायदेमंद बनता है। सर, ये पखवाड़ा चल रहा है रक्तदान से लेकर, क्या ये पूरा पखवाड़ा और अभी तक कितनी यूनिट हुई है और क्या पूरी सेवा है? ये असल में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 तारीख को ये पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के तत्वाधान में हमारे जिला अस्पताल की जो टीम है वो रक्तदान शिविर लगा चुकी है। इसमें करीब 54 यूनिट अब तक हम इकट्ठा कर चुके हैं। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है सर? लोग अब आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं? हाँ, लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और कुछ हमारे स्टाफ वालों ने भी इसमें डोनेट किया है, तो लोगों में अच्छा इसमें रुझान है। कितना ज़रूरी होता है ब्लड डोनेट करना स्वास्थ्य के लिए? अब बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, रक्तदान को महादान भी कहते हैं और अगर एक व्यक्ति डोनेट करे तो उससे कम से कम 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि भाई रक्तदान अच्छी चीज़ है, इसे समय समय पर करते रहना चाहिए। जिला अस्पताल के डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्मा ने बताया कि अभी तक जिला चिकित्सालय में जो रक्तदान शिविर का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया गया, उसमें 54 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और अभी भी 4 या 5 दिन इस आयोजन के समाप्त होने में बाकी है। अभी लोग बहुत उत्साहित के साथ जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।